दोस्तों पनीर एक ऐसी चीज है जिससे बहुत से व्यंजन बनाए जा सकते हैं। पनीर से बनी डिश को हम नाश्ते से लेकर डिनर तक में खाना पसंद करते हैं। पनीर का नाम लेते ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है। पनीर को वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही खाना बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों पनीर दूध से बना होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स भी माना जाता है। इसमें सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, सेलेनियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट के भी गुण पाए जाते हैं। पनीर को हड्डियों के लिए भी अच्छा माना जाता है। दोस्तों आज के टाइम में ज्यादातर पनीर का यूज किया जा रहा है। हमारे भारत में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पनीर का यूज हो रहा है, लेकिन क्या ये पूरा पनीर असली है या नकली, शायद आपको पता नहीं होगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि नकली पनीर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हमारे पूरे देश में 15 करोड़ टन दूध का उत्पादन होता है, जिसमें से सिर्फ 7 लाख टन पनीर बन सकता है। लेकिन पूरे देश में लगातार पनीर की डिमांड 25% की दर के हिसाब से बढ़ती जा रही है, लेकिन दूध का प्रोडक्शन तो उस हिसाब से नहीं हो रहा है ना। तो अब आप बताइए कि आखिर इतना सारा पनीर कहां से आ रहा है। जब आप 1 लीटर दूध से पनीर बनाएंगे तो उससे सिर्फ 150 ग्राम ही निकलेगा, और ये प्रैक्टिकली साइंटिफिकली दोनों तरह से सत्य है। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बड़ी बड़ी दुकानों पर जो पनीर मिलता है वो नकली हो सकता है। ये ऐसा पनीर हो सकता है, इसे बनाने में सिर्फ 30 रुपए प्रति किलो की लागत आती है। आप इस पनीर को 400 रुपए प्रति किलो में खरीदते हैं तो पैसे भी लगते हैं, और ये आपके शरीर के लिए काफी नुकसानदायक भी साबित होता है। अभी हाल ही में मुंबई में एक दुकान पर छापेमारी के दौरान 2500 किलो नकली पनीर बरामद हुई थी। ठीक इसी तरह दिल्ली में करीब 1000 किलो नकली पनीर जब्त की गई। अब आप भी सोचेंगे कि आखिर यार ये नकली पनीर कैसे बनाई जाती है, असली पनीर तो हमने घर पे बनाया है, नकली का क्या चक्कर है। दोस्तों नकली पनीर बनाने के लिए कई सारे तरीके हैं। इसमें सबसे पहला तरीका है फॉर्मालिन। ये एक ऐसा केमिकल होता है जिसे स्लो पॉइजन भी कहा जा सकता है। अगर इस केमिकल को दूध या पनीर में मिला दिया जाए तो ये ज्यादा समय तक रखे रहने पर भी दूध व पनीर को खराब नहीं होने देता। तो नकली पनीर बनाने के लिए मिलावटी दूध से सबसे पहले तो क्रीम निकाल लिया जाता है, उसके बाद उसमें आरा रोड मिला दिया जाता है जिससे दूध बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, और दूध फटने के लिए इसमें छेने का पानी भी मिला दिया जाता है। और अब हमारा नकली पनीर देखिए बनकर तैयार हो जाता है। कुछ फैक्ट्रियों में इस नकली पनीर को बनाने के लिए दूध की जगह दूध पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इस दूध पाउडर में फॉर्मालिन ऑयल और पाम ऑयल मिला दिया जाता है। ये पाउडर पनीर को मुलायम करने का काम करता है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा दूध मिला दिया जाता है। अब आपका पनीर लीजिए बनकर हो जाता है तैयार। अब यही पनीर बड़े बड़े 5-स्टार होटल्स रेस्टोरेंट्स में सप्लाई किया जाता है। अब दोस्तों ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हर होटल में, हर 5-स्टार होटल में ऐसा ही हो रहा है, लेकिन हाँ अगर आप इस तरह का पनीर रोजाना खाएंगे तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां डेफिनेटली हो सकती है। ये नकली पनीर बनाने का एक तरीका और क्या होता है कि मिलावटखोर दूध में से क्रीम निकालते हैं। क्रीम को निकालने के बाद इस दूध से ना तो मक्खन बनता है और ना ही कुछ और बनता है, इसीलिए इस दूध में सोडियम बाइकार्बोनेट को मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है दूध गाढ़ा हो जाता है, और फिर इसे धीमी आंच में काफी देर तक गर्म किया जाता है, और जब दूध उबलने लगता है तो तुरंत इसमें पाम ऑयल मिला दिया जाता है, और फिर इसे बेकिंग पाउडर मिलाकर दूध को फाड़ दिया जाता है, और स्पंजी नकली पनीर देखिए कितना मस्त तैयार हो जाता है। दोस्तों अगर आप भी पनीर खाने के शौकीन हैं, लेकिन पनीर खरीदते समय असली और नकली पनीर में फर्क नहीं पहचान पाते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आमतौर पर पनीर को देखकर इसके असली या नकली होने का अंदाजा आसानी से नहीं लगाया जा सकता है। इसके असली या मिलावटी होने का पता इसके स्वाद से चलता है। ऐसे में आज आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जो पनीर खरीदते समय असली और मिलावटी पनीर को पहचानने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले पनीर का टुकड़ा हाथ में मसल कर लें। पनीर को पानी में उबाल कर ठंडा कर लें। अब इस पनीर पर आयोडीन टिंचर की कुछ बूंदें डालकर लें। अब दोस्तों असली पनीर सख्त नहीं होता है जबकि मिलावटी पनीर सख्त होता है और खाते समय रबड़ की तरह खींचने लगता है। दोस्तों पनीर खाने से शरीर को कई तरह के स्वास्थ्य संबंधित फायदे मिलते हैं। यदि आप रोजाना पनीर का सेवन करते हैं तो इसमें पाए जाने वाले विटामिन्स
आपके शरीर को स्वस्थ और तरोताजा रखते हैं। पनीर प्रोटीन से भरा होता है जो आपके शरीर को फायदा पहुंचाता है। जिम जाने वाले व्यक्ति को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है। जंक फूड और पेय पदार्थों का सेवन करने से आपके ऊतकों को होने वाले खतरे से पनीर सुरक्षा देता है और वर्कआउट करने से आपके शरीर में तेजी से ग्रोथ होती है। दोस्तों, पनीर खाने से आपके दांतों और हड्डियों को कई फायदे मिलते हैं। पनीर में पाए जाने वाला लैक्टोज दांतों की कैविटी को रोकने में फायदा पहुंचाता है। पनीर में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि शरीर में होने वाली गठियों से मानव शरीर को निजात दिलाने में सहायक है। साथ ही पनीर में उपस्थित ओमेगा 3 गर्भवती महिलाओं को फायदा पहुंचाता है। दोस्तों, अगर आप ब्लड शुगर के मरीज हैं तो आप पनीर का सेवन कर सकते हैं। पनीर हृदय स्वास्थ्य के लिए सहायक है। ब्लड प्रेशर में अचानक होने वाली वृद्धि और कमी को रोकता है। दोस्तों, पनीर खाने से हमारे शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं, लेकिन पनीर में पाया जाने वाला सेलेनियम और पोटेशियम कैंसर जैसी बीमारियों से बचाता है। यदि आपके शरीर में कैंसर के जड़े पनप चुकी हैं, तो आपको पनीर का सेवन अवश्य करना चाहिए। पनीर हमारे शरीर में कोलन कैंसर या रेक्टल कैंसर और पेट के कैंसर से रोकथाम करने में मदद करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पनीर का ज्यादा सेवन सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। कच्चे पनीर का ज्यादा सेवन कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। तो चलिए आज हम आपको पनीर खाने से होने वाले नुकसान को भी बताते हैं। पनीर को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है, लेकिन शरीर में प्रोटीन की ज्यादा मात्रा होने से दस्त यानी कि डिसेंट्री की समस्या हो सकती है। कच्चे पनीर का ज्यादा सेवन इन्फेक्शन की वजह बन सकता है। अगर आपको पाचन, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत है तो आप पनीर का ज्यादा सेवन ना करें। खासतौर पर रात के समय तो बिल्कुल भी पनीर का सेवन ना करें। मिलावटी पनीर का सेवन करने से व्यक्ति को पेट दर्द, सिर दर्द और त्वचा के रोग घेर सकते हैं। इससे अधिकतर टाइफाइड, पीलिया, अल्सर, डायरिया होता है। दोस्तों, आजकल पनीर का गोरख धंधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अवैध फैक्ट्रियों में हजारों किलो नकली पनीर प्रतिदिन उत्पादन होता है और फिर देश भर में इसे सप्लाई किया जा रहा है। कई गांव तो ऐसे हैं जहां के सारे लोग बड़े स्तर पर नकली पनीर बनाते हैं। दोस्तों, अगली बार आप पनीर लेने जाएं तो निम्न बातों का ध्यान जरूर रखें। पैकेट को ध्यान से पढ़ें, उस पर बनाने वाली कंपनी का पता, बैच नंबर, लॉट नंबर, एक्सपायरी डेट, पोषक तत्वों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। पैक किए हुए पनीर को प्राथमिकता दें, खुले पनीर को ना खरीदें। यस, पनीर लेने और बनाने से पहले कम से कम जांच जरूर कर लें। दोस्तों, यदि आप एक्सरसाइज करने के तुरंत पहले या बाद में पनीर खाते हैं तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि शरीर को फैट की आवश्यकता नहीं होती है। एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद जब आप पनीर से बनी हुई डिश खाते हैं तो इसमें मौजूद फैट पाचन क्रिया को धीमा कर देता है। रात में सोने से एक घंटे पहले आप पनीर का सेवन करें। दोस्तों, आपके सोते समय आपके शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे में पनीर खाना एक अच्छा विकल्प होता है। इसे दिन के वक्त भी खा सकते हैं, लेकिन इसे अधिक मात्रा में खाने से बचें। अगर आप पनीर को संतुलित तरीके से खाएंगे तो मोटे नहीं बल्कि फिट रहेंगे। दोस्तों, दूध को फाड़कर या फिर फटे हुए दूध से पनीर तैयार किया जाता है। इसे बनाते वक्त जो पानी बच जाता है उसे फेंके नहीं, तो इसे पी लें। पनीर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन से बना हुआ उत्पाद है जो काफी हेल्दी होता है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी नकली पनीर बनाता हुआ मिलता है तो इसके बारे में पुलिस को जानकारी जरूर दें, क्योंकि इस तरह का नकली पनीर बेचने पर धारा 272, धारा 273 और 420 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, और इससे पहले की दो धाराओं में 6 महीने की जेल और ₹1,000 का जुर्माना है, और 420 की धारा में 7 साल से भी ज्यादा की जेल हो सकती है। अगर आपको कहीं पर भी इस तरह का पनीर दिखाई दे तो इसका वीडियो जरूर बना लें और सेहत से खिलवाड़ ना करें। तुरंत उस दुकान वाले की पुलिस में शिकायत करें और दुकान की जांच करवाएं। दोस्तों, इसी के साथ ही हम आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फैक्ट ऑफ फिक्शन को सब्सक्राइब कर लें।